पर्टिकुलरली वी टॉकड अबाउट द रेशियोज़ एफ ई वी यू एन एफ ई सी रेशियोज एंड द क्लिनिकल पिक्चर और फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं ऑब्सट्रक्टिव डिजीजेज एक एक करके अलग कराऊंगा और रिस्ट्रिक्टिव अलग कराऊँगा सो टूडे वी आर बिगिनिंग ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज जिसमें बेसिकली चार डिसऑर्डर्स हैं एम फाइसीमा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एस्तमा एंड ब्रोंकीएक्टिस

What do we actually mean by this term? There are disorders, and when we COPD, there are two disorders. Hain, right? So let's uh, jump on today's topic, which is emphysema. Now, first thing first, definition. What is emphysema? It is characterized by permanent enlargement of air spaces. कौन सी एयर स्पेसिस क्योंकि एयर स्पेस तो ट्रेकिया भी है एयर स्पेस तो ब्रॉन्कस भी है सो एयर स्पेसिस विच आर डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल सो इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ट्रैकिया ब्रॉन्कस एंड देन डिविजन ऑफ ब्रोंक्यूल सब्सिकुन टू या डिजिटल टू टर्मिनल ब्रॉन्क्यूल जो एयर स्पेस हैं उनमें परमनेंट इन्लार्जमेंट भी होती है एंड ऑल्सो डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स उनकी जो वॉल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय होती हैं बट यूजली देर इज नो फाइब प्रोसेस ओके इट इज क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू दिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डैमेज सो चार तरह के एम फाइसीमा आपको याद रखने हैं बात समझ में आ गई कि दे विल भी डिस्ट्रक्शन ऑफ द एयर स्पेस दिस इज द एयर स्पेस यू नो रेस्परेटरी ब्रॉन्ट यहाँ ये जो एयर स्पेसिस हैं इफ़ इनमें में परमानेंट डायलिटेशन है फॉर एग्जांपल ये देखें नॉर्मल और ये देखें डायलेटेड एयर स्पेस साथ में इनकी वॉल डैमेज भी होगी सो दिस इज़ कॉल्ड एम और इसके चार कैटेगरीज़ हैं और वो कैटेगरीज बेस्ड ऑन दी एनाटॉमिकल लोकेशन है बेसिकली पहली कैटेगरी को हम नाम देते हैं सेंट्री एसिनर फिर पैन एसिनर देन डिजिटल एसिनर एंड इरेगुलर अच्छा सेंट्री एसिनर उसको कहते हैं कि ना इफ़ यू टॉक अबाउट द जो एल्वुलर uh, ग्रुप uh, है जिसको हम रेस्परेटरी एस या लॉब्यूल इस तरह के नाम देते हैं नॉर्मल एनाटमी में इफ इफ यू लुक एट दिस डायग्राम यू सी हियर

जो इरेगुलर होगा उसमें यहाँ भी डैमेज हो सकता है थोड़ा यहाँ डैमेज हो सकता है बीच में नॉर्मल होगा सो so ये तीन कैटेगरी समझना तो बहुत ईजी है सेंट्री एसिनार के सेंट्रल एल्वुल आर डिस्टर्ब एंड द डिस्टल आर ओके पैन एसिनार ऑल ऑफ देम आर पैथोलॉजिक डिस्टल एसिनार में सिर्फ डिस्टल आर नॉर्मल सेंट्रल आर ओके सो ये वाला पार्ट अगर डैमेज होगा और ये पार्ट नॉर्मल होगा दिस इज कॉल्ड डिस्टल एंड देन देर इज़ द लास्ट कैटेगरी इरेगुलर इसका कोई मान नहीं है कहीं से कोई पैच खराब होगा कहीं कोई पैच ठीक होगा इस तरह की चीज़ें ओके okay? ऑबसली ये जो चार टाइप्स हैं अनोकेशन वाइज इनमें द मोस्ट कॉमन वन यू हैव टूमेम्बर इज द सेंट्री एसिनार एम फाइसीमा इस टोर्टी टाइम्स मोर कॉमन दैन दी अदर्स ओके आप थोड़ी थोड़ी इनकी डिटेल्स देख लेते हैं कि वट इज सेंट्री एसिनार ऑल्सो नॉन इज सेंट्री लॉप्युलर एम फाइसीमा द डिस्टिंगटिव फीचर ऑफ द सेंट्री एसिनार एम फाइसीमा इज दर देंट्रल पार्ट ऑफ द एसिनार

the lesion are more common and severe in the upper lobes of the lung particularly in the apical segment in severe sentry centriacinar emphysema the distal acinus also becomes involved obviously with the passage of time it will be involved okay this type of emphysema is most common in cigarette smokers often is associated also with chronic bronchitis so there are so many overlapping features between the two copds और सेंट्री एसिनार पर्टिकुलरली मोर कॉमन इन सिगरेट स्मोकर्स, दैन द पेन एसिनार के पूरे का पूरा एसिनस इन्वॉल्व है द कंप्लीट एसिनाए आर यूनिफॉर्मली इन लार्ज एंड इट स्पैंस फ्रॉम द लेवल ऑफ द रेस्परेटरी बलॉन्ग टू द टर्मिनल यू नो ब्लाइंड एलविला तक बात जाती है पूरे का पूरा इन्वॉल्व है ओके इन कॉन्ट्रेस टू द सेंट्री एसिनार एम वाई सीमा पेनासिनार अकर्ज मोर कॉमनली इन द लोअर लंग्सून ये बातें याद रखने की हैं बॉस एग्जाम में बहुत पूछते हैं ये अपर लंग में लोब में सेंट्री एसिनार इज मोर कॉमन लोअर लोब्स में पैनासिनार इज मोर कॉमन एंड इट इज मोर एसोसिएटेड विद ए नदर कॉज विच इज़ एल्फ़ा एनटी वन ट्रिप्स इन डेफिशंसी अभी इसके बारे में हम बात करेंगे सो स्मोकिंग इज मोर कॉमन इन सेंट्री एसिनार एंड एल्फा वन एनट्री ट्रिप्स इन डेफिशंसी इज मोर कॉमन इन पैनासिनार Then there is this category which is called distal SNR also called parasaptal In this form of emphysema, the proximal portion of the SNS is normal, but the distal part is involved. is distal. The emphysema is more striking, adjacent to the pleura, because pleura he distal parts of the alveoli, and um, um, it occurs adjacent to the areas of fibrosis, scarring, or atelectasis. so post-pneumonia, probably. The characteristic finding is the presence of multiple contiguous enlarged spaces ranging from very small diameter to a very big diameter, and they itne large and so they make uh, you know enlarged structures called bulla. The cause of this type of emphysema is actually unknown. It comes to attention most often in young adults who presents with pneumothorax because in my bulla, this bulla can rupture and the air can accumulate in the pleural cavity, leading to uh, pneumothorax. Okay, right. Uh, and then there is irregular emphysema. Irregular emphysema, so named because the acinus is irregularly involved. Uh, very easy to understand. Okay. अच्छा अब ये जो चार कैटेगरीज थी दीज आर बिकॉज ऑफ द एनाटमिक साइट्स राइट सो इफ़ यू टॉक अबाउट एम्फाइसीमा की चारों कैटेगरी सेंट्री एसिनार पैन एसिनार इरेगुलर And distal SNR. So you should be very clear okay, what do we actually mean by each one of them. Particularly, ye jo do hai shuru ke, in aapko ye bhi hai, ke this one is more common in upper lung lobes, and this one is more common in lower lung lobes, and then this is more associated with the smoking, and this is more associated with alpha 1 antitrypsin deficiency. Okay. Now e disease jo emphysema hai, destruction of the uh, air sacs wall, ye hai? Uh, and then there are different. पैथोजेनिक मैकेनिज्म प्रपोज उनको हमें गोथ्रू करना जरूरी है इनहेल्ड सिगरेट स्मोक

That attract more inflammatory cells, and they include IL-8, leukotriene B4, TNF, and they recruit more and more immune cells. And the immune cells come in and release further cytokines and damage the airway wall. The inflammatory cells which are present include neotrophils, macrophages, and T cell both CD4 and CD8 positive. So, ये inflammatory milieu है, ये he heavy bombardment होती cytokines की the air wall becomes damaged, right? दैन एक तो ये पैथोजेनेटिक मैकेजम है पैथोजेनिसिज इस वजह से होती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड द अदर वन विच यू मस्ट रिमेंबर इज द प्रोटीज एंड द एंटीज इम्बेलेंस होता ही यह है कि जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं ऑबियसली वैन दम इन दे रिलीज अ लॉर ऑफ प्रोटीज ना प्रोटीएज का काम है Um, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स मौजूद हैं उनको डीग्रेड करना सो दैट दॉब ऑफ द प्रोटीज इससे फाइट करने के एंड गुड थिंग इससे फाइट करने के लिए वी हैव एंटाइप्रोटीज लेकिन अगर एंटाइप्रोटिजिस के लेवल कम हो अगेन बिकॉज ऑफ जीनेटिकपोजिशन तो प्रोटीएस विन द वॉर एंड स्टफ ओके दैन द थर्ड मैकेजमेटिव स्ट्रेस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आर जनरेटेड बाई सिगरेट स्मोक एंड दे कैन कॉज डैमेज टू दी स्ट्रक्चर Then, number four is the infection. So, if somebody is smoking, has predisposition genetically, and then a superseding infection, that's, um, Deadline story for that guy. Okay, the idea that proteases are important is based in part of the observation that patients with a genetic deficiency of anti-protease alpha-1 anti uh, alpha antitrypsin have a predisposition to development of emphysema. Very important. Okay, about one percent of the patient uh, with emphysema has this defect. and yani in anti-protease uh, chemicals are not Okay.

These are secreted by neutrophil during inflammation alpha-1 antitrypsin is encoded by a gene in the proteinase inhibitor which is called the pi locus on chromosome 14.

now what are the clinical features of those patients who have emphysema? it's an obstructive lung disorder. okay, so dyspnea, number one. it's usually the first symptom. it begins insidiously, but it is progressive. in further In patients with underlying chronic bronchitis and chronic asthma, because many of the patients who have emphysema may have overlapping symptoms of bronchitis or even asthma. okay? Weight loss is common and may be severe enough to suggest an. Um ट्यूमर सो so, ऐसा लगता है यार इतना तेजी से वजन गिर रहा है कहीं ट्यूमर तो तु नहीं है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आपने करने ग्रेट डिटेल कि अगर एफ ई वी वन और एफ ई वी का रेशियो रिड्यूज हो दैट इज वेरी मच टूवर्ड्स ऑबस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर द क्लासिक प्रेजेंटेशन ऑफ एम्फासीमा विद नो ब्रॉन्क Component is one in which the patient is barrel chest, dyspnea, and obviously prolonged expiration. That's all because of the um, damage to the airway. Dyspnea and hyperventilation are very very prominent in these patients because of the prominent dyspnea, adequate oxygenation of hemoglobin. Um, these patients sometimes are also called pink puffers. Now. होता ये है कि इन पेशेंट्स में बहुत देर तक एक्चुअली ब्लड गैस वैल्यूज नॉर्मल रहती हैं सो so, इनमें कुछ साइनोसिस डेवलप नहीं होती सो दे आर नॉट ब्लू ब्लॉर दे आर एक्चुअली पिंक पफर्स ओके बिकॉज देयर ऑक्सीजन लेवल्स आर स्टिल नॉर्मल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दिस इज अपोजिट जब हम ब्रोंकाइटस पढ़ेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटस उसमें ये स्टोरी बिल्कुल रिवर्स है बहुत जल्दी ही द गैस वैल्यूज ऑफ द ब्लड दे स्टार्ट चेंजिंग एट द अदर एंड ऑफ द क्लिनिकल पेशेंट विद एमफाइसीमा हुसो है उसमें मिक्स है एमफाइसीमा और ब्रोंकाइटस का क्योंकि अक्सर ये एक साथ होते हैं मैंने आप आपको बताया ना सी ओ पी डी है ये डिसनिया यूजली इज लेस प्रोमिनेट एन द एबसेंस ऑफ इंक्रीज रेस्परेटरी ड्राइव द पेशेंट रिटेन डाईऑक्साइड अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में जमा रहती है दैट इज द मेन फीचर ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटस दिज पेशेंट आर ब्लू ब्लॉटर्स हैेंज्ड blood gas values in most patients with copd the symptoms fall between the two extremes yane vop patient serif emphysema ke features hai, and vop patient jingo emphysema plus chronic bronchitis ke features uh, patients are somewhere in the middle of this stuff okay and jingo obviously uh, with the passage of time alveolar structure damage or alveolar capillaries damage hoti hai, patients also start uh, developing pulmonary hypertension and death from emphysema is related to either respiratory failure or the right-sided heart failure right-sided heart failure should make sense to you because if this is your heart and here you have the lungs right side is the one which has to push blood into the lungs if your lungs damaged hai, pulmonary hypertension has so right side because your heart hai, it is under pressure Uh, कॉर्पल मोनैल जिसे हम कहते हैं एंड दिस राइट हार्ट कैन ऑल्सो बी एक्सपीरियंसिंग फेलियर सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ डेथ इन एम पेशेंट सो द डेथ इन एम पेशेंट इज आइदर रिलेटेड विद द रेस्परेटरी फेलियर और विद राइट हार्ट फेलियर ओके देन वी हैव कंडीशन ये कुछ नाम अब मैं आपको बताने लगा ये दे आर ऑल सम हाउ रिलेटेड टू एम फाइसीमा ये अक्सर यूज होते हैं सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज टर्म कॉल्ड कॉम्पनसेट्री एम फाइसीमा दिस इज द डायटेशन ऑफ द एयर वे ब्रॉन्क्यूल नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइमरी पैथोलॉजी बट बिकॉज दैट सम अदर पार्ट ऑफ द लंग हैज़ बिन रिमूव सो फॉर एग्जाम्पल अगर सर्जिकल रिमूवल हुआ है किसी लंग लोभ का तो दूसरा पार्ट जो है वो इन लार्ज हो जाता है सो दैट इज कॉल्ड कॉम्पनसेटरी एम फाइसीमा बिकॉज एम फाइसीमा की डेफिनेशन है ना इलार्जमेंट ऑफ द एयर वे एंड डिस्ट्राक्शन then there is obstructive overinflation it refers to the expansion of the lung due to air trapping there are certain disorders this may air trap hore expansion so that's called obstructive overinflation these are not true emphysema but these are due to enlargement of the air spaces due to some other problem and that some other problem can be removal of the lung lobe or that can be because of air trapping then there is a variant which is called bullous emphysema इसमें होता ही है कि प्लूरा के बिल्कुल नीचे डैमेज इतना ज्यादा होता है डिस्टल पर्टिकुलरली एल्वल का देर आर स्मॉल ब्लब्स और बिलाए विच आर फॉर्म्ड एंड देयर लिटल ब्लब्स हेयर एंड दे कैन एक्चुअली रपच्चर एंड इफ दे रपच्चर दे लीड टू न्यूमोथोर सो दैट्स वन ऑफ अ वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन एंड दिस इज मोर कॉमन इन द डिस्टल वराइटी और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है ना देखें अगर ये लंग है तो यहां पर जो डिस्टल एलविलाय होंगे इनमें अगर बुला बनेगा तो वो रपच्चर होके प्लोरल स्पेस में आ जाएगा सो द डिस्टल वैरायटी ऑफ एम्फाइसीमा चार कैटेगरीज है ना उनमें से जो डिस्टल कैटेगरी है एम्फाइसीमा की दैट इज द वन व्हिच इज मोर प्रोन टू बुलस फॉर्मेशन ओके दैट शुड पर्टिकुलरली मेक सेंस टू यू राइट then the last terminology is the mediastinal emphysema It's caused by the entry of air into the interstitium of the lung from where it may be uh, it may track into the mediastinum and sometimes subcutaneous tissue so this is because of any reason just uh, say air entry or it may be occurring spontaneously if a sudden increase in the intra alveolar pressure such as vomiting coughing produces high alveolar pressure or phir air if the airs you have would out out into the interstitium into the mediastinum or I then this is called mediastinum so sometimes it develops in children uh, with whooping cough it may also occur in patients with respirators who have uh, partial bronchodilators so basically your fractured rib, it may be air trap, ho ke, uh, leak ho ke into the mediastinum hai. okay and most of the time it is reabsorbed spontaneously without any uh, sequelae so that was all about emphysema um, मैंने आपको बताया कॉन्टेक्स्ट आपको बताना चाहिए वी आर डूइंग ऑब्सट्रोक्टिव लंग डिसऑर्डर्स इसमें चार कैटेगरीज हैं एम फाई सीमा देन देर इज ब्रॉकाइट विल टॉक अबाउट ऑल्सो एस्थमा उस पर अलग से पूरी जारी वीडियो हम करेंगे एंड देर इज ऑबियसली ब्रोंकि एक्ट सो हम ये सब हमने डिस्कस करना है देन यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम टुगेदर टूगैदर कॉल्ड सी ओ पी डी तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं ना ये आपको पता होने चाहिए राइट कि हम कब सी ओ पी डी का वर्ड यूज कर रहे हैं कब ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज में से पहली डिजीज जो आज हमने डिस्कस कर ली है दैट इज एम फाइसीमा नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड देन एस्थमा एंड देन ब्रॉक एक्टिस ओके सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अपना बहुत ख्याल रखिएगा आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत ही जल्द